हम लोगों को हमारी जगह चाहिए। ये जो इतने लोग हैं ये मजलूम लोग हैं, और ये आज एक मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ एक शहीद बलवा से, एक बड़े भाई समझकर या जो भी समझकर, कि आज मुस्लिम होने के नाते तुम पर ये अल्लाह और रसूल का वास्ता देकर ये मैं इल्तिजा करती हूँ कि हम मजलूमों का साथ दो। यही सलीम बलवा, इन लोग सभी है ना, इन लोग ने ली है ना हम लोग की जगह। कौन लिया, इन लोग की वजह से हुआ हम लोग के पास। जब पैसे के लिए एक बार गए थे तो उनको बोले मर जाने दो ना, क्या करेंगे जी का। नहीं था आपके पास सैंडल? नहीं था। नहीं तो बोलता है हम आप सैंडल पहनती हो कि नहीं? आप पहनते हैं ना, इस्तेमाल क्यों नहीं किया? कि एक एक करके सबकी मौत करके उसके बाद देगा सबके जनाजे पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को भी कुछ नॉलेज नहीं है। आप घर बैठ के इंतजार कर रहे हो सब लोग कि सुबह चाय वाला दूध वाले के बाद एक बैल बजे जिसमें से बलवा या बयानी या जिस जिसका नाम लिए वो आके आपको चाबी दे। आपने कुछ नहीं कर रहे हो। बलवा जो है शाहिद बलवा और कौन सा बलवा है, इसाक बलवा, सलीम बलवा, मोहम्मद बलवा, ये सब जितने भी बलवा है ये सबका मॉल है। और इसके सलीम बलवा और उस्मान बलवा, शाहिद बलवा, इसको कवर। ये शाहिद बलवा है और ये फिरोज सलीम बलवा, जिसकी खुद की भी कोरोना में लॉकडाउन में ऐसे ही मर गया। वो उसका भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए, एक रुपया उसके पास नहीं है, उसकी एक बीवी है, उसकी एक बच्ची है, वो लोग के पास घर खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं। दोस्तों मुंबई सेंट्रल का सिटी सेंटर जो है यहाँ पर 2020 में तकरीबन 56 घंटे तक कंटिन्यू जलता रहा। फायर ब्रिगेड भी इसको आग को कंट्रोल करने में जो है कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, रीज़न अभी तक पता नहीं। दूसरी बात यह है कि जब से लेके आज तक ये मॉल बंद है, जो दुकानदार हैं जिनकी दुकानें यहाँ पर है, जो रेंट पे दिए हुए हैं, जो दुकान चलाते हैं, वो पिछले 2.5 साल से अपने रोजी रोटी अपने जो है बिजनेस जो है बंद करके बैठे हुए हैं या कहीं ऑल्टरनेट जगह पर भाड़े पे चला रहे हैं। आज यहाँ पर सब जमा हुए हैं, इनके यहाँ पर कोई बंदा आए तो जो भाग गए, हमको देख के भी भाग गए, वो भाग गए। और ये हमको बता दें ये बलवा जो है शाहिद बलवा और कौन सा बलवा है, इसाक बलवा, सलीम बलवा, मोहम्मद बलवा, ये सब जितने भी बलवा है ये सबका मॉल है। और इसके पहले भी ये विवादों में रहा, हमेशा ये विवादों में रहा ही है। अभी बात करते हैं यहाँ पर चाचा, अस्सलाम वालेकुम, क्या मसला है हैदर भाई का? हाँ साहब, मेरा मसला ये है कि अक्टूबर 2020 के अंदर आग लगी जी शॉपिंग सेंटर के अंदर, और ये 56 घंटे तक जलता रहा और फायर ब्रिगेड बुझाती रही। उसके बाद से फिर हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की कि किसी सूरत से लोगों की रोजी रोटी चले, ये मॉल बने, मगर जो इसके का जो जिसने लिया था हमसे लीज के ऊपर इसको, वो सामने आने को तैयार लिया था, भूल के बताइए ना, समझे आप, ये लिया था सुनील बयानी फ्यूचर ग्रुप, फ्यूचर ग्रुप, और उसको देने वाला जो है वो बालवास ग्रुप, क्या सब सही। इन लोगों ने हम लोगों की कोई बात आज तक नहीं सुनी, और इसको आज 2 साल से ऊपर, बल्कि 30 महीने होने को आ गया है क्या, और हर आदमी परेशान है, उसके बाद भी ये कोई बात किसी के सुनने को तैयार नहीं है। मतलब एक्चुअल पोजीशन क्या है भाई? एक्चुअल पोजीशन ये है कि जब ही से आग लगी उसके बाद से मतलब मॉल सिर्फ रिपेयर ही हो रहा है और आज तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ताजमहल बन रहा है भाई, क्या चीज़ा क्या बोल रहे हैं, ताजमहल बना रहे हैं आपके? आप ये जो है ये बताते कि हमारे को जब चालू करने के लिए बोले दादर बनाओ, सब जल गया है, शटर जल गया है, बोले दादर बनाओ, सीढ़ियाँ बनाने के लिए आज 2 साल लग रहे हैं। हाँ, और सीढ़ी बन नहीं पा रही। आप लोग से पैसे लिए गए? नहीं, वो इंश्योरेंस कंपनी का पैसा लिए। इंश्योरेंस कंपनी का पैसा किसका, कितना आया, कितना पैसा आया इसमें? इंश्योरेंस कुछ क्लेम किया है लोग ने तो कुछ, तो उसको मॉनिटर कौन कर रहा है सर? 50 या 55 करोड़ रुपए आया है जो सैंक्शन हुआ है, किसके पास आया? अब अल्लाह जाने, वो पास हुआ है 55 करोड़। ऐसा इग्नोरेंस करने से थोड़ी चलेगा, आपको बिल्डर के पास ही आया है। आपको यहाँ के जो बिल्डर है उनके पास 50 करोड़ रुपया पास हुआ है, जिसके अंदर से बलवास वाले शाहिद, आपका कहना है शाहिद के पास, शाहिद बलवा के पास 50 करोड़ रुपए आए हुए इसके, ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई 50 करोड़ सैंक्शन हो गया है, जिसमें 55 करोड़ की 55 करोड़ की पॉलिसी, वो 14 करोड़ बता रहे हैं। आपको क्या जानकारी, आपकी दुकान है, आप इतने सारे लोग से बात हुई तो बोले 13.5 करोड़ रुपया हम लोग को मिला है। अभी जो भाग गए वो बोलते हैं भाई, मैं मीडिया के सामने नहीं आना चाहता। एक्चुअली ही इज नॉट प्रिपेयर्ड ना टू रिप्लाई अस, सो रीजन ही लेफ्ट एंड ही विल टॉक नाउ बिल्डर कि व्हाट आई विल रिप्लाई, सो इज जस्ट फॉरवर्डिंग। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को भी कुछ नॉलेज नहीं है। नहीं,
आप घर बैठ के इंतजार कर रहे हो सब लोग कि सुबह चाय वाला दूध वाले के बाद एक बैल बजे जिसमें से बलवा या बयानी या जिस जिसका नाम लिए वो आके आपको चाबी दे। आपने कुछ नहीं कर रहे हो आप। नहीं हम लोग की तरफ से भी डिले हुआ है। माफी चाहता हूँ मैं बोलने का। नहीं डिले अलग होता है, जानकारी नहीं आपके पास। कितना इंश्योरेंस हुआ आपको नहीं पता, फायर ब्रिगेड के वहाँ पर क्या हो रहा है आपको नहीं पता, तो पता तो आपको होना चाहिए ना। अभी हम लोगों ने ना एक डिमांड की है कि फायर ऑल ऑफ अ सडन आप लोग आगे खड़े हो गए। फायर का जो लोगों का बोलना है कि फायर वाले हम लोगों को इजाजत नहीं दे रहे, पास नहीं कर रहे। वो बोलते कि हम लोगों को रोजाना तारीख पे तारीख टाइम पे दे रहे कि ये काम करो वो काम करो। उसके बाद वो लोग बोलते कि जेब इशारा देते, वो फिरोज पापड़ जो अभी जो थे ना जो भागे, वो इशारा देते कि यहाँ पर जेब के तरफ कि ये देंगे नहीं जब तक के काम नहीं होगा। तो मैं बोली जो फंड है कौन, वो यहाँ के डायरेक्टर है। कौन हमारी तरफ से, उनकी खुद की भी जगह, फिरोज पापड़ की भी जगह है। तो क्या नाम है? फिरोज पापड़। नहीं नहीं ये लो, पापड़ सुनो तो फिरोज पापड़। फिरोज पापड़ हाँ, वो भी हमारी तरह ओनर है। और उनको आपके आदमी आपसे क्यों भाग रहे? वही तो अब अल्लाह जाने, तो वही चाटू लोग है। ये लोग चाटना जानते हैं, पैसा मिलता है उन लोग को, खा रहा है, इनको किसी की परवाह नहीं है। मेरे एक दो बार लफड़ा भी हुआ है। दूसरी बात, मेरा एक दो बार लफड़ा भी हुआ इन लोग से, इन लोगों को कुछ परवाह नहीं है। बोले हमको क्या लेना था, हमको तो पैसा मिल रहा है यहाँ से। एक तो उमरा करने इतना पैसा कमा लिया, वो बरकत करके है अपने मदनपुर नहीं, वो है इसी लायक, वो इसी काबिल है। मैं सलीम को बोलता, सलीम लंगड़ा है, लंगड़ा आदमी हो, उसको बोलना सुनाना ही है। इसने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया। अभी और क्या चाहिए तुमको? कितने हमारे सीनियर मर गए, कितने बच्चे मर गए हमारे, घर में खाने को नहीं है, घर के अंदर स्कूल जाने को बच्चे लोग के पास नहीं है। सलीम बलवा और उस्मान बलवा, शाहिद बलवा, इसको कवर करो। ये बच्चा जो है, ये लड़के, ये इनके वालिद साहब मेरे दोस्त है, और ज़्यादा उम्र नहीं, 55 साल की उम्र में इनके वालिद का इंतकाल हुआ है। ऐसे ना जाने 3-4 इनके इनके खानदान में 5 मौतें हो गई, इनके खानदान में 5 मौतें हो गई इसी आंधा ये मतलब हाल ही। अब मेरा नाम तौला खान असलाव। कितने माले पे? 2 माले पे 118 गाला नंबर। क्या हुआ? अब अगर तो इंतकाल हो गया, यही सब मॉल की वजह से सिटी सेंटर एकदम टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन, कोई कुछ करता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मतलब हो गया। यही मैंने ना जिसकी 3 बार पैसे की कमी की वजह से, मैं नाम बोलना नहीं चाहती भाई। ये मेरा भाई था खान मोहम्मद फरीद, उसका डायलिसिस होता था, उसकी किडनी फेल हो गई थी, उसके बाद मरने से पहले तक के उसके बाद डायलिसिस के लिए पैसा नहीं था। 2020 में कोरोना में लॉकडाउन में ऐसे ही मर गया वो, उसका भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए, 1 रुपया उसके पास नहीं है। उसकी एक बीवी है, उसकी एक बच्ची है, बोलों के बाद घर खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं है, कब का पैसा खा के बैठ गया है वो शाहिद बलवा। खाती है बेचारी, एक टाइम मायके में जाती है क्योंकि वो बोलती मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं तो मैं क्या करूँ। मेरे घर पर भी कई लोग ऐसे आ रहे हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रहा, आपने जिसको डायरेक्टर नियुक्त किए वो तो बिल्डर की तरफ से तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। क्या नाम बोले आपने, कौन सा पापड़? हाँ तो वो तो आप लोग की तरफ से ना? नहीं नहीं, हम लोग ने बनाया नहीं है, वो अपने आप बन जाते हैं। बलवास वाले ही बनाते हैं उनको, बलवास वालों ने विदाउट वोटिंग। डायरेक्टर है 15 साल से, 5-5 साल में डायरेक्टर चेंज होता है, वोटिंग किया नहीं जाता, अपने आप बन जाते हैं। बोलने दे यार, अभी बोल ले तू यार। उन लोग क्या करते हैं कि उसको परमानेंट रख लिया है, एक्चुअली 5-5 साल में हर डायरेक्टर बदली होता है। इन लोग को वही चाहिए कि इन लोगों को पगार मिलती है 2-2.5 लाख रुपया मिल जाती है, इनको कोई परवाह नहीं है किसी की भी, तुम चाहे इनको कुछ भी बोलो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो है 2-4 जन हमारे ही वाले, उनसे मिले हुए और उन लोग को कुछ क्या करने का, बस बोले बनेगा हमारे, क्या कोई जवाब तो दे, कोई सही तो जवाब दे कि हमको कुछ मालूम तो पड़े क्या हो रहा है आज इतना। आज तुमको शाम को तुम आओ यहाँ पे 7 बजे के बाद, तुमको बताऊँगा कितने तबेले वाले हमारे कंपाउंड वाले मॉल वाले रास्ते में धंधा लगा के बेचारे अपने घर का खर्चा निकाल रहे। बताओ इससे गिरवी हरकत और क्या हो सकती है? बात समझ में नहीं आप क्या बोल रहे हो, मॉल वाले तबेले वाले ये धंधा लगा रहा है, ये रास्ते में धंधा डाल के बैठे हैं, कोई कपड़े बेच रहा है। सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से बंद हो गया है तो मजबूर हो गए, जो रेंट खाते थे जिसके उनका घर चलता था, सोर्स ऑफ इनकम बंद होने की वजह से वो लोग मजबूर हो गए, कोई रास्ते पे बैठ के धंधा कर रहा है। ये वही है जिनके शोहर सरवाइव रहने के लिए किडनी में इंतकाल। जी बोलिए, कौन सी नंबर की दुकान है आपकी? बोलो फरीद के बारे में, नाम इनकी मत सुनो, इनकी मत सुनो, आपको जो तकलीफ है वो बोलो। हाँ मेरे शोहर का हुआ तो हम लोगों को खाने पीने का भी बांधे हो तभी भी थे,
तभी भी खर्चा नहीं था ना कमाने वाला था कोई, और अभी भी आज भी 3 साल होने आ रहा कोई खर्चा नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं है हम लोग के पास। वो डायलिसिस पेशेंट था ना, बोल ना काम डायलिसिस पेशेंट था, जब भी नहीं था ना उसी वजह से तो इंतकाल हुआ ना, कि टेंशन में इंसान क्या करेगा, कहाँ से कितना खर्चा लेगा, कितनी प्रॉपर्टी बेच। आपके पति का, आपके हस्बैंड का मौत का जिम्मेदार आप किसको मान, किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, इसके पास गए तो इसके फाट से, यही सलीम बलवा इन लोग सभी है ना, इन लोग ने ली है ना हम लोग की जगह, कौन कौन लिया है, इन लोग की वजह से हुआ हम लोग के पास, आज अच्छा खासा था तबेला रहता दिए तो उसने लिया ना। वादा भी तो किया था हर चीज का, कौन सा वादा पूरा कर दिया, खत्म कर दिया वादा, एक एक पूरा करने बोलो उसको ना, कि एक एक करके सबकी मौत करके उसके बाद देगा सबके जनाजे पर। घर भी हम लोग ने वही के लिए बेचने, जब आदमी के पास पैसा नहीं खाने पीने को तो क्या रोड पे बैठ के भीख मांग के खाएंगे क्या, भी नहीं मदद लेने को भी गए तो भीख मांग के बोलता है 2 लाख दे देंगे, क्या करेंगे। हम लोग गए थे मीटिंग में फ्यूचर वाले ने, हाँ बयानी कौन था फ्यूचर, हम लोग गए थे ना उसके पास किशोर बयानी के पास, उसने खुद बोला 2 लाख रुपया मैं दे रहा हूँ। सारी चीजें बंद हो गई, मेरे को एक बात ऐसा लग रहा है कि आप लोग को खुद को पता नहीं कि क्या हो रहा है। एक्चुअली सर मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ आप लोग को जितने भी लोग दिख रहे हैं ना वो सारे डिपेंड थे रेंट के ऊपर, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है सब ने बता दिया, वो बात हो गई है, सब ने पॉइंट अपना अपना रख दिया कि 2.5-3 साल से जो है ये जगह बन नहीं रही है। आपको इस बात का इल्म नहीं है कि कहाँ तक क्या पड़ा हुआ, कितना इंश्योरेंस आया। वजह ये है कि हमारा जो चुना हुआ डायरेक्टर था उसने हम लोग को अवेयर नहीं किया इस बारे में। जब भी मीटिंग होती है, जब भी मीटिंग होती है किसी कोई ना कोई बहाना करके लोग चले। लास्ट मीटिंग में लोग ने ये कहा था कि आप लोग को जो भी मालूम करना है 8 बजे के बाद एवरी सैटरडे हम लोग यहाँ मिलेंगे और आपको बताएंगे यहाँ क्या सिचुएशन है। साल हो गया सर, साल सिर्फ सीलिंग बनी है यहाँ, 19 महीने के अंदर पूरा टावर बन के रेडी हो गया था 19 महीने में, आज 3 साल हो गया है सिर्फ सीलिंग बन के रह गई है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्या आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया जा रहा है? सब चीटिंग सर। क्या चीटिंग? चीटिंग यही है कि लोगों को मारना है, लोगों को धमकाना है, ठीक है, किसी को किसी तरीके से मार। किसको धमकाया? ये लोगों को सर रेंट पे जो लोग हैं। कौन धमकाया, कोई है किसको धमकाया? ऐसा बात भी नहीं बोल सर, धमकाने की बात नहीं सर, बात क्या है, परेशान करना, परेशानी हो रही है। एक आदमी आपको बताइए, मेरे को बताइए चाचा, एक भी सुनिए सुनिए, एक मेरे को ये बताइए कि क्यों कर रहा है, क्या रीजन आपको लगता है ये डिले जो हमारी, हाँ ये क्यों हो रहा है आपकी दुकान खाने को, खाने की तरीके के वो ये दोनों के सामने ऊपर और टावर बना, क्या आपको कुछ तो नहीं, ये सब बेकार बात है, इसके ऊपर कोई टावर बने ऐसा हो ही नहीं, आदमी क्यों करेगा, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं नहीं, इसका क्या इरादा है कि भाई पब्लिक को परेशान करूँ, ये लोग सस्ते भाव में मेरे को दे के निकल जावे, मॉल मेरा पूरा वैसा हो जाएगा। ये वैसे कर्जदार है BDB वाला, इतना बहुत पैसा लिया इसने, इससे बयानी से बहुत पैसा लिया है इसने, उसको छुपाने को इतनी ताकत है ही नहीं, तो वो तो यही नीयत है उसकी, और हमारे वाले उसका साथ दे रहे हैं। हमारे वाले कौन है? ये जो अभी गया डायरेक्टर गया और फिर वो 2-3 जन और है। भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, वो सब बातें अपनी जगह, सब जो अजीज भाई बता रहे वो अलग, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको अपनी फिक्र है कि अपनी जगह जो है हम लोग को वापस मिलना चाहिए। अगर हम लोग का जो किराया आज 26-30 महीने से बंद है, लॉकडाउन में भी तो बंद था ना, हाँ उसमें लॉकडाउन भी आ गया, उसमें कई लोगों की मौत हो गई। ये हमारे एक साउथ भाई है, साउथ भाई इधर आओ, ऐसा भी हो सकता है लॉकडाउन की वजह से भी थोड़ा काम है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी इनका बेटा एडमिट था हॉस्पिटल में, कम से कम कितना खर्चा है, 10 लाख रुपया खर्चा हुआ, लड़के आया है मौत से लड़ा के मॉल था, सिर्फ मॉल। एक बात बताओ, और कितने साल अब उस डायरेक्टर पर डिपेंड हो गया, आज तक आपने अपनी सोसाइटी क्यों नहीं बनाई? अभी उसको बोले नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसके शब्द दूसरे बात मत करो। आप बोल रहे हैं ये पहला मसला नहीं है, इसके पहले भी रेंट का मसला था, यानी तकरीबन जब से बना हुआ तब से मसला चल रहा है, तो आप लोग अपनी सोसाइटी क्यों नहीं बनाए? अभी वो बनाने नहीं देता है, वो अपने आप ही तर्क नहीं है, विदाउट वोटिंग में वो सेलेक्ट करता है, अलग बना प्राइवेट बना कंपनी बना। बात सही है, हाँ अभी आपने अभी तो क्यों नहीं बनाया, आपको खुद को इल्म नहीं है? नहीं, नहीं। आप अचानक 2.5 साल बाद उठे हो, संडे को हमको भी बुला लिए इधर, और 20-30 जमा कर दिया, हुआ कर लिए, तो इससे थोड़ी काम होता है। ये लोग की जगह ज्यादा है, सी दिस इज अ ट्राईपार्ट एग्रीमेंट, ये जो आप अपनी सोसाइटी बनाने में कोई आपको मना नहीं कर सकता, ला मैं मेरे नाम से बना दो, सब आ जाओ मेंबर, उनका स्टेक ज्यादा है, स्टेक नहीं वो अलग बात है, आपने काम के लिए एक सोसाइटी अपनी बनती है, अपना बना, कोई लॉर्ड से बात किया आपने, लॉर्ड से बात नहीं अभी नहीं किया, फिर अपनी राय क्यों दे रहे हैं आप लोग? आपके पास कोई प्रॉपर ये भी नहीं है कि आज पोजीशन क्या है वहाँ पर, फायर ब्रिगेड में जाइए, पूरे जितने भी मेंबर है सब जाइए, नहीं तो वही आज एक, एक काम करो, एक है ना लाइन से एक एक जाते रहो ऑफिसर को, एक एक जाओ, 300 आदमी के पास रोज जाओ,
जाओ थोड़ा मॉल का तीन माला के बारे में बताओ, तीन माले के बारे में क्या आपको थोड़ा। तीन माला 2014 में टर्मिनेट किया के भाड़ा नहीं दे पा रहे थे लोग, तो हमारी जगह बोले आप लोग ले लो रिटर्न, बोले ठीक है दे दो। तो 2014 के बाद 2017 में भी ये लोग हमको जगह बना के नहीं दिए, अब पोजीशन लेटर भेजिए कि इसमें साइन करके ले लो तीन माला। तो हम लोग 2037 तक का इंतजार कर लो, क्या अरे मैं वही तो बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है क्या वो कहाँ क्लियर हुआ, वो मैटर भी कहाँ क्लियर हुआ, हाँ कहाँ हुआ वो मैटर क्लियर सबको सब कैसे हुआ बता। ये लोग ने क्या कंपनी फॉर्म किए हुए जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी नहीं बन पा रही है, फिर हम लोग ने एसोसिएशन बनाए थे मगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं आप ऐसा समझ, हम लोग की हमारी एसोसिएशन है यहाँ की वेलफेयर मगर अपनी जो है ना कंपनी ऑलरेडी फॉर्म हुई है और हम लोग सिर्फ 40% आपको बता रहा हूँ सर, मैं दो चीज़ बता रहा हूँ आपको, आपको मैं इसमें मालिकाना हक की बात नहीं कर रहा, आप अपनी सहज नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हो। अच्छा क्यों नहीं बना सकते, हम लोग गए थे लास्ट टाइम, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, वर्ली पे गए थे, मनोज राव जी गए इधर भी सब जगह, वर्ली पे वर्ली सर पे। जो जो काम करते हैं उनको काम करने दो ना, आप जाके क्या करोगे, नहीं यही लोग आप एक आपने एडवोकेट से, हाँ तो एडवोकेट वहाँ क्यों भेज दिया आपको, आपको वो क्यों, वो तो उसको बना के एडवोकेट देगा ना सर, आप लोग ने कोई प्रॉपर लॉ का नॉलेज नहीं लिया, आपने फायर में क्या हो रहा आपको ये नहीं पता, आप खाली बिल्डर के वहाँ पर बैठे भगते हुए, क्या आपको पता होना चाहिए कितना इंश्योरेंस आया वो नहीं मालूम, अरे आपका हक बनता है मांगने का, आप ऐसा जा जाके विजिट करेंगे तो थोड़ी होता है। सॉरी मैं आप लोग को जरा ऐसी बात कर रहा हूँ क्योंकि अवेयर कर रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है ना, आपके पास कुछ ही नहीं है, खाली ऐसी बोल रहे हो, वो बुला लिया पापड़ भाग रहा है और ये सब थोड़ी होता है सर, अभी भी उनको आप जाइए आप दो चार आदमी बैठिए, प्रॉब्लम मैं देता ना रहा है आपको, कितने आदमी खड़े हैं, 25 या 50 आदमी खड़े, 350 आदमी है, आगे आते ही नहीं नहीं आएंगे, सोए हुए वो तो मैं कह रहा हूँ, पूछो ना, मैं तो ये कहता हूँ नहीं आगे आएंगे नहीं तो मेजोरिटी होती नहीं, मेजोरिटी होती नहीं तो कुछ होती नहीं, क्या करेंगे सॉल्यूशन, रास्ते पे पड़े रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, कितने लोग बिक गए पैसों में, अपना ईमान तक बेच दिए, ईमान बेच दिए, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा, चंद लोगों ने 300 लोगों को परेशान करके रखा, अभी मैं समझता हूँ 300 पे तीन चंद लोग भारी नहीं हो सकते, आपकी कुछ कमजोरी होगी, पैसा सबको हल्का करा देता, आपकी कमजोरी होगी सर, अभी मैं नाम लेके चांद में कि आपका ये फिरोज पापड़ हो गया, बरकत हो गया, उमरा करने जा, उनके पीछे बड़े आप, बस यही ना, इनको हेड बना दिया, हेड बना दिया, आज हम लोग ने बोल दिया आप रिजाइन कर दो, हम लोग साइन देने तैयार, आपको रिजाइन दे देगा सर, क्यों नहीं देगा सर, देगा वो रिजाइन नहीं देगा, आपने थोड़ी अपॉइंट किया उसको, पहली बार थोड़ी बोला, नहीं आपने जवाब देने बोले, पहला बोला देता हूँ फिर बोलता सोच के जवाब दूंगा, बहरहाल देखिए अभी तो बात आप उन्हें सब रख दिए बराबर है, अभी आपको क्या करना है तो स्मार्ट मूव करें, ठीक है मैं एक बार आया रोज रोज में यहाँ नहीं सकता बराबर है, और भी मैडम ने फोर्स किया तो मैं आया, नहीं तो आप लोग यहाँ पर भागते हो हम लोग को देख के, डायरेक्ट मीटिंग करनी है, कर लीजिए आप लोग, देखो अगर मीटिंग देता है तो। सलीम भाई हम लोग क्या चाहते मालूम है, डिफॉल्टर बहुत बार हो चुका, और जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि डिफॉल्टर होने के बाद जगह तुमको वापस मिलेगी, तो डिफॉल्टर तो कई बार हो चुका है, भाड़ा नहीं देकर जो भी है ये काम नहीं होकर, तो अब हमारी जगह हमको दे दो, तुम निकल गए कंपनी डिसॉल्व कर दो, इतना आसान है तो पहले दे देता, वो यहाँ से हटना ही नहीं चाहते ना, चाहे वो मेन चीज सर देना नहीं चाहते, आपको सुनिए अभी आप लोग को अगर शाहिद बलुआ को कोई मैसेज भेजना हो या जो भी ओनर हो बयानी को आप बोल सकते हो, नहीं देखिए हम लोगों को तो हमारी जगह चाहिए, इधर आइए, शाहिद बलुआ को अगर आपको कोई मैसेज देना है बोल सकते हो, बोलिए, देखिए हम लोगों को हमारी जगह चाहिए, मुझे नहीं देखिए वहाँ बोलिए, हम लोगों को हमारी जगह चाहिए, ये जो इतने लोग है ये मजलूम लोग है, और ये आज एक मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ एक शाहिद बलवा से, एक बड़े भाई समझकर या जो भी समझकर कि आज मुस्लिम होने के नाते तुम पर ये अल्लाह और रसूल का वास्ता देकर ये मैं इल्तिजा करती हूँ कि हम मजलूमों का साथ दो, और ये गरीब लोग हैं जो अपने पेट के लिए अपने औलादों के लिए अपनी बीमारियों के लिए हर तरह से तकलीफें उठा रहे, एक बच्ची की 3 बार एक घर में अगर शादी टूट जाती है तो उससे अंदाज़ा लगा लो कि वो बच्ची उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती है, उस घर में उसकी माँ को कैंसर है, उस बाप को हार्ट अटैक हुआ वो टेंशन में, अब उससे बढ़कर और कैसी कैसी एग्जांपल दूं, ये बहन इधर खड़ी है इसके शोहर डायलिसिस से मरे, और उनका भी मुझे याद है कि वो जब पैसे के लिए एक बार गए थे तो उनको बोले मर जाने दो ना क्या करेंगे जी का, कौन बुलाया ये किसने कहा है मुझे मालूम है,
आप बोल दो, देखो अभी डर के मतलब नहीं चले गए। बोला हम लोग ऑफिस में पीछे मिलने गए थे, उसी ने कहा था, जो मैनेजर बैठा था ना कोई, उसी ने नाम नहीं मालूम क्या बोला था, बोलिए। बोले जाने दो, जैसा हो रहा होने तो 2 लाख देगा, उससे ज्यादा नहीं देने वाला है। जैसा हो रहा मतलब क्या? मतलब डायलिसिस चल रहा है, चलने दो, ट्रांसप्लांट के लिए नहीं देगा वो पैसा इतना। हमको हमारे हक का पैसा दो ना, तुमसे थोड़ी ना हम भीख मांग रहे हैं। नहीं था आपके पास सैंडल? नहीं था? नहीं तो बोलता है हम आप सैंडल पहनती हो कि नहीं? आप पहनते हैं ना, इस्तेमाल क्यों नहीं किया? पावर नहीं था, पावर आ गया सर। नहीं अभी देखो, मैं तो यही बोलती हूँ कि आप लोगों को अल्लाह ने बहुत नवाजा है, और अब ये जगह का हक तो क्या बिल्डर को क्यों दिया जाता है? रीडेवलपमेंट करो और हमको हमारी जगह दो। आपने कंपनी बनाई, कंपनी बनाकर चलाए, लेकिन आप लोग फेल हो चुके। अब हो सकता है तो हमारे लिए इतना करो, डिसॉल्व कर दो ये कंपनी को और हमको हमारा हक, हमारी जगह दे दो, हम लोग बना लेंगे। हमारा 3 साल बंद है ना, और 6 महीना साल समझ के चलेंगे, कहीं से भी कर्जा लेंगे, लोन लेंगे, या फिर कोई फाइनेंसर को खड़ा करके हम ये मॉल को खड़ा करेंगे सब मिलकर। साल और दे दो, साल और दो। हाँ। एक साल और ले लो, एक साल के बाद हम लोग हमारी जगह दे दो प्लीज, अदरवाइज फिर फाइट के लिए तैयार। क्यों दे रहे हो साल? बना देगा एक साल और, एक साल साल क्यों दे रहे हो? टाइम क्यों दे रहे हो? नहीं होगा, क्यों दे रहे हो? हमारी जगह हमको वापस चाहिए, बस हो गया, खत्म हो गया। किस्सा खत्म। हम लोग 3 साल 4 साल से सफर करे, हर 2 साल में हम लोग धरना देने को इधर आ जाते हैं। हम लोग इतने बेवकूफ है? हाँ, आज हमारी सेहत साथ नहीं दे रही है, हम लोगों को कई बीमारियां लग गई है टेंशन ले लेके। मैं खुद कर्नाटका से बच्चों की बीमारी। बालवास ग्रुप ये जस्ट बिगनिंग है, अभी आपको नेक्स्ट स्टेप फिर आइंदा आइंदा पता नहीं कैसा करना पड़ेगा, तो प्लीज़ आप लोग इसको जो भी है सीरियस लेके सॉल्व करो इसको और डू व्हाट एवर। आप लोग ने ये जानने की कोशिश की क्या तकलीफ क्या है? फायर ब्रिगेड से तकलीफ है, BST से तकलीफ है, BMC में तकलीफ है। देखो अभी ये लोग क्या बोलते हैं कि फायर वाले हमको NOC नहीं दे रहे। कभी आपने 2.5 साल में गए कभी? मैं तो नहीं गई हूँ, क्योंकि जो करता धरता लोग हैं ना वही लोग जाते हैं, वो लोग कोई जवाब नहीं। आज मैंने ही उनको बोली कि हम लोगों को जवाब दो, और हमारे आदमी 6 आदमी आपके साथ जाएंगे जब भी फायर के, तो जैसा ही हम मैंने ये बात दी वो उसके ऊपर डिपेंड। आपको भी तो पता है, चले जाओ, मैं बताता हूँ कौन सा फायर के पास जाने का। उधर खड़े हो गए, डॉक्यूमेंट्स निकाल लो RTA से, रिजिग्नेशन दो ना, डायरेक्टर चाहिए नहीं हमको। जब हमको कंपनी के डायरेक्टर होकर जब हमको लोगों को जवाब देने का नहीं है, उनको कोई रास्ता के कोई जवाब नहीं देना चाहते, तो हमको जब जवाब नहीं देते तो ये पोस्ट पे रहने की जरूरत क्या है हमको? जितने भी डायरेक्टर है ना, रिजिग्नेशन दो हमको, कोई नहीं चाहिए। पहली बात तो हमको कंपनी भी नहीं चाहिए, हमको हमारी जगह चाहिए, सबसे बेस्ट है, हमको जगह चाहिए। अरे आपने जानने की कोशिश की जगह आपकी है कि नहीं है? क्यों नहीं हमारी? हम इसके शेयर होल्डर है। हाँ अब आए, हम इसके शेयर होल्डर है। बोले तो शेयर होल्डर बाद में इनको बता देना। ऑन पेपर इट इज मेंशन वी आर द शेयर होल्डर एंड ही इज द डायरेक्टर। कौन डायरेक्टर है? ये शाहिद बलवा है, और ये फिरोज सलीम बलवा, जिसकी खुद की भी यहाँ पे दुकान है। तो हम शेयर होल्डर है, इसीलिए अभी जज भी है ना हेल्पलेस है, हमको हमारी जगह नहीं दे पा रहा है। तो अभी लॉ के हिसाब से मैंने सबको जगाने की कोशिश किया था व्हाट्सएप पे। शेयर होल्डर का मतलब समझते हो? शेयर होल्डर का मतलब समझते हो? पता है कि आपके पूरी जितनी भी लोग हैं ना इसमें मेंबर, वो सब इसके मालिकाना हक है। हाँ हाँ, वो मालिकाना हक है, लेकिन मेन डायरेक्टर जैसा करेगा उसी के हिसाब से चलता है ना, उसी के हिसाब से चल रहा है। तो हमको वो पावर ही नहीं आ रहा, हम वोटिंग ही नहीं दे पाते कि हम डायरेक्टर बदली करें, और वो मेंशन कर देता है कि ये डायरेक्टर है। हमारे पास हर साल एक बुक आ जाती है। दोस्तों गलती जो है वो तो बिल्डर तो सब कैसे रहते हैं आपको पता है, और बड़े बड़े बिल्डर जो है वो बड़े बड़े कांड करते हैं, तो कहीं ना कहीं टेनेंट्स की बहुत बड़ी गलती है। ऐसा नहीं है कि ये इनको जान के भी अनजान बनते हैं, और अनजान बन के भी जानबूझकर जो है ये लोग जो है कभी अपने दूसरे पर डालते हैं। खुद को पता है खुद का मालिकाना हक है कि नहीं, इनको ये तक नहीं पता है। ये एक शेयर होल्डर कंपनी है, वो डायरेक्टर उस आज कई साल से, जैसा भाई ने बताया, 2014 से लेके आज तक पहले रेंट का रफड़ा, कोर्ट में मैटर, फिर आग लगना, ये लोग का ऐसे ही चलता है। सलीम शेख, गली न्यूज़।